डॉक्टर ने तुम्हारा केस बहुत ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी दिन तुम बीमार भी रही हो। हाँ, ये सब कुछ मैं जानती हूँ। मुझे एहसास है कि मुझे वो सब कुछ नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन आप अभी वो बातें क्यों कर रही हैं मेरे साथ? क्योंकि मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफदेह है। देखो रिमशा, हकीकत यही है कि अब तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मुझे ये बात जाकिर को बतानी चाहिए या नहीं? मुझे नहीं लगता कि जाकिर को किसी भी बात से कोई फर्क पड़ता है। पता नहीं किस मुश्किल में फंस गई हूँ मैं, पता नहीं क्या होना आगे जिंदगी में। लेकिन नहीं रमशा, सारी कश्तियां नहीं तुम्हें जलानी चाहिए। हाँ, वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी जो जैसे है होने देती हूँ। कम ऑन, उठ जाओ, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। मैं रात को थोड़ा लेट आया था तो मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। कैसा फील कर रही हो? ठीक नहीं है तबीयत। जानी के अभी भी ठीक नहीं है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, तुम नाश्ते के लिए रेडी हो जाओ, उसके बाद कहीं बाहर चलते हैं, आउटिंग के लिए या शॉपिंग के लिए। नहीं, मेरा दिल नहीं है कहीं भी जाने का। What? अरे ये तुम कह रही हो? Are you okay? हाँ, पता नहीं क्यों दिल नहीं जा रहा यार। अच्छा चलो, ऐसी ही बातें करते हैं अच्छी अच्छी सी। नहीं जाते आउटिंग पे। एंड बाय द वे, तुम कह रही थी ना कि अब जल्द तुम फैमिली प्लान करना चाहती हो, तुम डॉक्टर के पास गई थी तो क्या कहा उसने? डॉक्टर ने कहा कि अभी अपनी हेल्थ पे ध्यान दो पहले। चलो कर लेंगे इंतजार में। निहाल, निहाल तुम्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं क्या? बहुत। अच्छा मैं नसीन से कहता हूँ, वो नाश्ता लगवा दिया तुम्हारे लिए, तुम रेडी होके आ जाओ, ठीक है?